तो दोस्तों जब हमारी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हुई नहीं तो हमसे किस बात का इन्होंने चार्ज ले लिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला, अगर आप भी HDFC बैंक पर ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वीडियो पूरा देखिए जिससे आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे ऊपर क्या बीती वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैंने HDFC बैंक पर ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करवाने की कोशिश की थी और जो उन्होंने डीजी यूथ अकाउंट मुझे रिकमेंड किया था वो मैंने ओपन करवा लिया। मतलब मैंने फॉर्म वॉर्म वगैरह ऑनलाइन जाके फिल विल कर दिया। तो उसके बाद में जब मैंने वीडियो केवाईसी की तो वीडियो केवाईसी मेरी किसी कारणवश नहीं हो पाई। लेकिन मेरे को क्या कैसे पता चला कि मेरे को एक महीने या अभी जस्ट मुझे एक मेल रिसीव हुआ था, उस पर लिखा हुआ था 600 रुपीज़ और GST आपके अकाउंट से काट ले गए। भाई मैं शौक में हो गया कि भाई जब मैंने अकाउंट ओपन किया ही नहीं तो भाई मेरे किस चीज़ का अकाउंट आप मुझसे पैसा ले रहे हो, क्योंकि जो मेरी वीडियो KYC है वो इनकम्प्लीट हुई थी। उन्होंने बोला कि आप बैंक पर जाकर आप अपना जो अकाउंट ओपन करवा सकते। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हमारा अकाउंट ओपन नहीं हुआ। लेकिन जब वो मैसेज आया तब मुझे पता चला था कि मेरे अकाउंट से इन्होंने 600 प्लस जो GST होता है उन्होंने बता रखी है, हमारा अकाउंट माइनस में कर रखा है। तो जब MC चार्ज इन्होंने हमसे ले लिया, तो जब अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं तो इन्होंने किस चीज़ की चार्ज लिया। तो जब मैंने इनको पूछा, कॉल सेंटर में फ़ोन लगा के पूछा कि भाई जब मेरा अकाउंट आपने ओपन किया ही नहीं तो मेरे से किस बात के आप 600 रुपये ले रहे हो, इसमें कैसे मैं पैसे डालूँ अगर अकाउंट आपने ओपन किया ही नहीं। तो उन्होंने उनका जवाब आया कि सर ये आप जैसे अकाउंट ओपन करते तो वहाँ पर आपका eKYC अकाउंट हैंड टू हैंड ओपन हो जाता है, जिसको आप वीडियो KYC से रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं और बड़ा अकाउंट आपका हो जाएगा, लेन देन इसमें कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा भाई आपने जब रिजेक्ट कर दिया हमारा तो आपने अकाउंट ओपन किया ही क्यों। भाई जब आप वीडियो KYC नहीं कर रहे हैं तो रिजेक्ट कर दीजिए, हमारा अकाउंट चाहिए ही नहीं। अगर हमें चाहिए तो हम वापस वीडियो KYC कर लेंगे या आपकी ब्रांच में जाकर कर लेंगे। उन्होंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने बोला ठीक, आप अकाउंट बंद कर दीजिए। तो बोला सर आप अकाउंट तो बंद कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकाउंट का क्लोजर का चार्ज लगेगा और आपका जो MC चार्ज लगा वो भी आपको देना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई जब मैंने अकाउंट ओपन किया ही नहीं तो आप मेरे से किस चीज़ का ले रहे हो भाई, है जब आप वीडियो KYC कंप्लीट करोगे या जब मेरे पास में डेबिट कार्ड वगैरह ये सब आ जाएंगे, मैं इनसे लेन देन फिर ना करूँ तो वो बात अलग है। कि अगर मैं MC चार्ज आपको पता है डीजी यूथ का 5000 रुपीज़ इसका चार्ज लगता है, जो कि आप 6 मंथ में अगर इसे लेन देन करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने बोला भाई आपने अकाउंट ओपन किया ही नहीं तो मैं इसमें लेन देन कैसे करूँ, अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर इसमें मैं लेन देन करूँ ना। तो उन्होंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको क्लोज करवा सकते हैं और क्लोज करवाने के लिए आपको जो पैसा है वो तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला किस चीज़ के भाई, मैंने जब अकाउंट किया ही नहीं तो मैं क्यों पैसा दूँ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा ही होता तो अब आप क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, या तो आप अपना अकाउंट है वो कंप्लीट करवा दीजिए, अगर आपकी वीडियो KYC के बीच में छूट जाती है तो आप बैंक चले जाइए, वहाँ से आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन करवा दीजिए, यानी फुल अकाउंट करवा दीजिए eKYC अकाउंट से हटा के। तो वो एक साल के लिए होता है, eKYC ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पैसा वैसा है जो उनसे कुछ लेना देना नहीं, आपको बैंक में जाना ही नहीं अगर आप अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहते। और अगर आप ओपन करवाना चाहते तो आप जो नज़दीकी ब्रांच है उसमें चले जाइए, आप अपना अकाउंट ओपन करवा दीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये मेरे को आपको बताना था कि अगर आपके साथ में भी यही घटना हुई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब लोगों को बताएं, जिससे कि ये HDFC बैंक का पता चले कि ये कितने लोगों को मतलब पागल बनाते हैं, ये फिरते रहते हैं। बाकी वैसे तो बैंक काफ़ी अच्छा बैंक है, काफ़ी सर्विस इसकी बढ़िया रहती है, लेकिन ये चीज़ें मुझे अनयूजफुल लगी। यानी किसी के साथ में अगर आप अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे हैं तो किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं। वैसे हमारा अकाउंट वो एक साल के अंदर बंद हो जाएगा, जो कि eKYC अकाउंट होता है, जो कि हमारा जब आधार कार्ड पैन कार्ड लगाते हैं तो इंस्टेंट अकाउंट वहाँ पर ओपन हो जाता है। लेकिन जब तक हम वीडियो KYC नहीं करेंगे इसमें हमें हमारा जो डेबिट कार्ड वगैरह ये हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ना इससे कोई आप बड़ा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, या आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।